Assalamu alaikum. Good morning, playgroup. How are you all? I hope you all are fine. Hmm. I'm your teacher, and this is your Urdu lesson time. And we are going to start with Urdu Amli Kitab Hissa Awa. So, my dear kids, kal jo harf humne sikha wo tha alif, a. क्या आपने इसकी राइटिंग प्रैक्टिस की है रिवाइज की है मम्मा के पास बैठ के वेरी गुड चलें आज हम फिर रिवाइज कर लेते हैं हम्म, hmm, ये देखें मेरे पास कितने प्यारे फ्लैश कार्ड्स हैं जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ hmm, चलें जी रिवाइज वििफमत आसे आम आ आसे आँख अलिफ मत आसे आँख अलिफमत आसे आग। अल्फ मद आसे आम आप खाते हैं ना समर सीजन में आता है तो आप इन दिनों खा रहे होंगे टेस्टी टेस्टी आम अच्छा लगता है ना आपको चले थी रिवाइज़ कीजिए मद आसे आम अल्फ मद आसे आँख अल्फ मद आसे आँख पी जी क्लास पी जी स्टूडेंट्स अब आप मेरे साथ ट्रे में प्रैक्टिस कीजिए सैंड ट्रे में हम अलिफ मत आ राइट करने की प्रैक्टिस करते हैं डियर तो, किड्स ये सैंड ट्रे है आपका इसमें हम सीखेंगे प्रैक्टिस करेंगे अलिफ मत आ जो हमने कल सीखा ठीक है ना बेटे अगेन प्रैक्टिस करते हैं अलीफ मत आ ओके okay. प्यारे बच्चों अब आप अलिफमत आ से खूबसूरत नज़ एन्जॉय कीजिए और वापिस आइए फिर हम एक और एक्टिविटी करते हैं ओके okay? अच्छी ना थी ना आप ये रिवाइज कीजिएगा घर में फिर ममा के पास ओके तो डियर किड्स लुक दिस ये क्या है अल्फ आसे आलू क्या है आ आसे आलू हम इसके साथ एक एक्टिविटी एक करते हैं विद पोस्टर पेंट कलर्स ठीक है पोस्टर पेंट कलर्स होते हैं ना हम उनके साथ एक्टिविटी करते हैं प्यारे बच्चों हम आलू आलू पे पोस्टर पेंट कलर लगा के पेंटिंग करते हैं नाइस हम्म अगेन डिप करेंगे पेंट में और इस पिक्चर में हम करते जाएंगे ओके इंटरेस्टिंग है ना वेरी गुड वाओ आई एम एंजॉइंग से आलू में हम पोस्टर पेंट कलर्स के साथ पेंटिंग करें आलू की पिक्चर में आलू की तस्वीर में hmm. वाओ अच्छा ना अलिफ मद से आलू इसमें हमने पोस्टर पेंट कलर्स के साथ पेंट किया बुक एंड ओपन पेज नंबर थर्टीन ठीक है प्यारे बच्चों एंड डू मी अलिफ मद से आलू अलिफ मद से ख अलिफ मत आसे आदमी अलिफ मत आसे आरी अलिफ मत आसे आँख ओके okay, बेटा नाउ कम टू द पेज नंबर फिफ्टीन सॉरी फोर्टीन नाउ कम टू द पेज नंबर फोर्टीन प्यारे बच्चों आपने इस पे राइटिंग प्रैक्टिस की है कलरिंग की है वेरी गुड नाउ come to the page number 15 hmm. this is your home assignment theek hai na bete ye aapne is pe homework karna hai aur again writing practice karni hai इन dots को ऐसे ही आपने मिलाना है और write करना सीखेंगे अलिफ मत आ अगेन प्रैक्टिस कीजिए इन नकात को मिलाइए Alif मत अगेन बेटे राइट करते हुए नीचे जाइए और ये ऊपर मत राइट कीजिए और रिवाइज कीजिए कीजिएिफ मत अलिफ मत आ इस तरह से आप इस मुकम्मल सफ़े पे राइटिंग प्रैक्टिस कीजिएगा और इन तस्वीर को दोहराइएगा मत से आलू अलिफ मद आँख और इन तस्वीर में रंग भी भरिएगा ठीक है ना प्यारे बच्चों ओके बेटे अब हम एक और एक्टिविटी करते हैं सो माई डियर लिटल एंजल्स लुक एट दिस पेज हम्म इस पेज पे कुछ हरूफ दिए गए हैं इनमें हमने अलिफ मद दा को ढूंढना है और उसके गिर दायरा लगाएंगे अच्छी एक्टिविटी है ना इससे बेटे आपको अच्छी सी रिक्शन हो जाएगी अलिफ मद्दा की की ओके लेट स्टार्ट पहली लाइन में देखते हैं अलिफ मद्दा कहाँ है हुँ। ये अलिफ मद्दा नो ये कौन सा हर्फ है अलिफ ठीक है लेकिन हमें तो अलिफ मद्दा के कि दायरा लगाना है ना तो बेटे ये कौन सा अल्फ है? अलिफ मद्द आ मिल गया हम इसके गिट लगा देंगे वेरी नाइस nice, ठीक है अब ये अलिफ मद्दा नो no, ये अलिफ मद्दा यस yes, हम इसके गिट दायरा लगा देंगे चलें जी अब दूसरी लाइन पे देखते हैं ये अलिफ मद्दा नो no, अलिफ मद्दा नो no, ये रहा अलिफ मद्द आ अलिफ मत आ हमने इसके दायरा बना दिया ये अलिफ मद नो यु तो बे है क्या ये अलिफ अलिफमदा है जी कौन सा हर्फ है अलिफ मत आ ये हमने इसके दायरा लगा दिया हम्म ये कौन सा हर्फ है ये मत दार नो ये अलिफ अल्फमत है नो ये अलिफ मत नो तो अच्छा था ना ये हम्म अच्छी एक्टिविटी थी ना चले मेरा बेटा जो मैंने आपको होमवर्क का पेज नंबर सिक्सटीन दिया है वो मामा के पास बैठ के उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और वकेबलरी की जो पिक्चर्स हैं उनको भी रिवाइज़ कीजिएगा ठीक है बेटा अब मैं आपके पास नए हर्फ के साथ फिर आऊँगी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़